नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। आमला, गरीब पात्र हितग्राहियों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कर आमजन को पक्का मकान मुहैया कराने सार्थक पहल की है, जिसका लाभ लोग लेते भी देखे जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तय समय सीमा में बिना परेशानी के मिल सके, लेकिन इस अति महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी भ्रष्टाचारियों की नजर लग गई है, जिसके चलते पात्र हितग्राहियों को सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हितग्राही आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने जनपद पंचायतों के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला जनपद पंचायत आमला की ग्राम पंचायत छिपनिया पिपरिया में प्रकाश में आया। क्या है पूरा मामला, क्या है आरोप? शनिवार को ग्राम पंचायत छिपनिया पिपरिया के गोल्ढाना गांव के ग्रामीण महेश मर्सकोले के नेतृत्व में कार्यालय जनपद पंचायत आमला पहुंचे थे। शिकायतकर्ता हितग्राही भूरीपति सनौरी उइके एवं गुड्डू पिता इसु इवने ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला दानिश अहमद खान को सौंपे शिकायत पत्र के माध्यम से बताया, साहब हमारे द्वारा 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य ठेकेदार लोकेश डहेरिया को दिया गया था, जिसका कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया। उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा, ठेकेदार ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि मुझे राशि आहरित कर पूरा भुगतान कर दो, मैं आपका मकान निर्माण पूर्ण करा दूंगा। राशि तो आहरित करा ली गई, लेकिन रुपए लेकर ठेकेदार आवास निर्माण करना भूल गया, जिस कारण हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। रोजगार सहायक की मौजूदगी में किया भुगतान। योजना में पारदर्शिता लाने, सरकार द्वारा राशि सीधे हितग्राही के खाते में डाली जाती है, बावजूद पंचायत के जिम्मेदारों की मौजूदगी में ठेकेदार ने हितग्राहियों को झूठा आश्वासन देकर उनकी राशि डकार ली। भ्रष्टाचार की हद तब हुई जब बायोमेट्रिक मशीन में ठेकेदार द्वारा हितग्राहियों का अंगूठा लगाकर पंचायत के रोजगार सहायक की मौजूदगी में राशि का भुगतान प्राप्त किया गया। भुगतान पोर्टल एवं हमारी बैंक पासबुक में देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर उचित कार्यवाही कर शीघ्र आवास निर्माण कर सरकार की आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग जनपद सीईओ से की है। इन्होंने क्या कहा, हितग्राहियों ने अपनी स्वेच्छा से ठेकेदार को मकान बनाने दिया था, रुपए भी निकालकर खुद ही ने दिए थे, बावजूद ठेकेदार मकान कार्य अधूरा छोड़कर भाग गया। शिकायतकर्ताओं के साथ 420 हुई है, पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हिदायत दी है। पंचायत से भी तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा जाएगा। दानिश अहमद खान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला। हितग्राहियों का मकान निर्माण कार्य अधूरा छोड़ ठेकेदार भाग गया। कार्य पूर्ण करने ठेकेदार को मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया था, वह फोन रिसीव नहीं कर रहा है। हितग्राहियों द्वारा ठेकेदार को राशि का भुगतान भी किया गया है। बसंत इवने ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत छिपनिया पिपरिया जनपद पंचायत आमला। भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की गई है, दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। समाज सेवक महेश मर्सकोले। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मैं महेश मर्सकोले। क्या समस्या लेकर जनपद पंचायत पहुंचे? जनपद में आज छिपनिया पंचायत के उल्डाना के कुछ ग्रामीण हैं जो पीएम आवास के मकान वाले हितग्राही हैं, उनके मकान पंचायत के द्वारा ठेकेदारों को दिलवाया गया था बनवाने के लिए, और जितना पैसा आहरण करवाया गया इनसे, क्योंकि ये अशिक्षित होने के कारण इन्होंने उनके कहने पर आहरण तो कर दिया। पर मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा, जैसा ज्ञात हुआ कि पंचायत के निर्माण काम में ठेकेदार काम नहीं कर सकता है, इसके कुछ प्रमाण आपके पास प्रस्तुत है कि ठेकेदार ने वास्तव में पंचायत के माध्यम से कल पीएम आवास का काम किया करवाया गया? सर इसमें रोजगार सहायक शायद तो साथ में थे, जिस समय में ये काम उनको दिया गया था ठेकेदारों को, उनके ही माध्यम से काम दिया गया कि आप लोग जल्दी नहीं बना पाओगे। कौन ठेकेदार? लोकेश डहरिया, सारी गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया उन लोगों को कि मैं इंजीनियर भी हूँ साथ में, और मैं आपका मकान बहुत जल्दी से कम्प्लीट कर दूँगा। अच्छा, जिसमें प्लान से कम्प्लीट करके बाकी का पूरा पैसा आहरण कर लिया, और उसके बाद से 1 साल से गायब है, ना उनका फ़ोन उठाता है ना कुछ नहीं। इस वजह से उन ग्रामीणों को लेकर मैं आज जनपद पंचायत आया हूँ, और सीओ साहब को मौखिक और लिखित में भी। मस्कोले जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके खाते से राशि का आहरण कर लिया गया और उनके मकान अभी भी अधूरे पड़े हुए? सर क्षेत्र में वैसे बहुत सारे हितग्राही मिल जाएंगे ढूंढने पर, लेकिन अभी तत्काल मेरे पास में जो समस्या लेके जो ग्रामीण आए थे वो लगभग 2-3 हैं,
और इसके बाद में भी काफ़ी कोशिश करेंगे कि जो जो परेशान है हितग्राही उन लोगों को भी कहीं ना कहीं न्याय मिले इस मामले में। श्रीमान सीओ साहब ने क्या आपको आदेशित किया है, क्या करने को कहा गया है इस मामले में? श्रीमान सीओ साहब ने यही कहा है कि आपके सूचना पे हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। नहीं और थाने के लिए भी उन्होंने हमें कहा गया है, लिखित में आप थाने में भी सूचना दे दीजिए ताकि कार्रवाई करने में भी और आसानी हो। क्या नाम भाई आपका? भूरी। कहाँ रहते हो? बुल्ढाना। क्या समस्या है आपकी? घर बना के नहीं दिए हमरी, ठेकेदार ने भग गई पैसा लेकर, तो ढूंढा रहे घर बना के दे। किस बात की शिकायत ग्राम पंचायत को नहीं की गई क्या आपके द्वारा? सरपंच जी ग्राम में आते नहीं है, देखते नहीं है कि किसका, समझ लो। पहले बेटा आपका नाम बताइए, क्या नाम? नाम नकुल विके, ग्राम ओल्ढाना से। पंचायत क्या लगती है आपकी? पंचायत ग्राम पंचायत चिकनी पोस्ट चिकना पिपरिया। अच्छा, क्या समस्या बेटा? समस्या ये है कि हमारे गांव में दो तीन अभी मकान पास हुए थे, दो साल होने को आ गए लेकिन अभी तक मकान कंप्लीट नहीं हुआ है। मेन समस्या क्या आ रही है मकान के निर्माण को लेकर? मेन समस्या ये है कि जो ठेकेदार या जो भी है सहायक सचिव के साथ में ठेकेदार आए थे, उनने बोला कि मकान आपका बना के देंगे लेकिन अभी तक मकान बना के नहीं दिए। खाते से पैसे तो निकाल लिए, अब ग्राम के जो भी है हितग्राही उनको अशिक्षित है वो। अच्छा। उनको समझता नहीं कि कैसा क्या करना है, उनको इतना जानकारी नहीं था, तो उनको साथ में ले जाके बैंक और बैलेंस निकाल लिया अकाउंट से, और बट अभी तक जो है आवास का निर्माण नहीं हुआ। जब इस बात की शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच सचिव से कहते तो क्या कहना उनका? सरपंच सचिव कभी ग्राम में आया नहीं, उनका अधिकार ये समझ लो ठेकेदार को बोल, उन्हें आके देखना चाहिए। समझ लो ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनका कर्तव्य है कि वो जाके देखे कि ग्राम में कितना काम हुआ क्या हुआ, लेकिन अभी तक वो मेरे रहते हुए में तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या नाम आपका? मेरा गुड्डू यूने। आपका भी परिवहन आवास स्वीकृत था? जी हाँ, मेरे पिताजी के नाम से पास हुआ था घर, तो उसमें डॉक्टर डेरिया ने लिया था ठेका। अच्छा। उसका बोले कि मैं मकान बना के दूंगा। अच्छा। और उसमें दो किस्त उठा ली, एक 25,000 की और एक 40,000 की। अच्छा। उसने 3 फीट दीवार उठाई है लेंथ के ऊपर और बाकी काम पूरा ऐसे ही छोड़ दिया, कालम भी नहीं भरा। क्या कह रहे हैं अभी मकान बनाने की बात को लेकर? मैंने उनको पहले भी फ़ोन लगाया था कि 15-15 दिन में हफ्ते में कम से कम 6-7 बार फ़ोन लगाया उसको, तो बोले मैं आऊँगा, बोले पानी की व्यवस्था कर दो। मैंने ये भी बोला उसको कि पानी की व्यवस्था हो जाएगी, भैया आप आके तो देखो, तो बोले हाँ मैं आऊँगा, बोले मुलताई में काम चल रहा है, बोले तो मैं अभी एक दो दिन में आता हूँ, ऐसा करके उसने बोला। और उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन लगाया उसको, तो बोले उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, फ़ोन भी लगाता था तो उठाता नहीं था, और अभी तक कोई आके देखा भी नहीं उसने। आपका मकान अभी अंधूरा पड़ा है। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।